सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काइन मास्टर एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जो कि हमारे एक वीडियो है, तो यहाँ पे हमारे साथ सीन होता है क्या है गाइज कि जैसे ही हम वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होते होते जाता है, लेकिन लास्ट तक ये रुक जाता है। उसके बाद गाइज मैंने घंटों तक वेट कर लिया, लेकिन ये जो कि एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ ही नहीं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा और 100% आपको, और आपको ये सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में जितना भी गाली बकना है बक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काइन मास्टर से बैक चला जाना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं फाइनली बैक जाता हूँ एंड अपने मोबाइल को आपको रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ और अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद आपको सिंपल सा आपका मोबाइल जो कि फिर से ऑन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को फिर से दोबारा ओपन करना है। तो फाइनली गाइज मैं अपना काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन कर लिया दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो कि हम जब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके दोबारा फोन ओपन करते हैं, उसके बाद जब हम अपने काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा हार्डवेयर परफॉर्मेंस का ऑप्शन आता है एंड उसके बाद हमको यहाँ पर रन एनालिसिस नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं फाइनली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको हार्डवेयर अपडेट होने लगेगा। फिर आपको ध्यान रखना है आपका नेट ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना नेट ऑन कर लिया हूँ एंड गाइज इस हार्डवेयर को अपडेट होने में आपको लगभग 30 से 45 सेकंड लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा वीडियो आपको पाउज कर दूँगा ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा हार्डवेयर जो कि अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक कर देंगे एंड गाइज मैं आपको वही वीडियो फिर से दोबारा एक्सपोर्टिंग करके दिखाऊँगा, जो कि पिछले कुछ देर पहले हमारा वो वीडियो एक्सपोर्टिंग नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं फाइनली इसे वीडियो को दोबारा से एक्सपोर्टिंग करूँगा ये हार्डवेयर अपडेट कर लेने के बाद। तो यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे सिंपल सा एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को कुछ देर के लिए फास्ट कर दूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइज आपको अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इस ट्रिक से तो आप मुझे कमेंट में जो कुछ बोलना है बोल दीजिएगा, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में मेरी इस वीडियो को आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। मैं एकदम 100% करता हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो ही जाएगा 100% गाइज, 99 नहीं बल्कि 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वही वीडियो जो कि पिछले बार नहीं हो रहा था और आपकी बार ये जो कि हार्डवेयर अपडेट कर लेने के बाद ये हमारा वीडियो एक्सपर्ट हो गया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।